भारत में अब तक नए कोरोना वायरस के कम से कम 20 नए मामले सामने आ चुके हैं। इनमें एक दो साल की बच्ची भी शामिल है, यानी भारत भी उन देशों में शामिल हो चुका है जहां नए स्ट्रेन के मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्पेन, कनाडा, जर्मनी, लेबनान, जापान और सिंगापुर में भी यूके वाला स्ट्रेन मिला है। भारत में अब तक जो केस मिले हैं उनमें 3 सैंपल बेंगलुरु, 2 हैदराबाद और 1 पुणे में पॉजिटिव पाए गए। यूपी में भी म्यूटेंट स्ट्रेन का पहला केस कंफर्म हो चुका है। यूपी से लौटी मेरठ की 2 साल की बच्ची नए स्ट्रेन से संक्रमित है। हालांकि उसके माता पिता को पुराने वेरिएंट से संक्रमण का पता चला है। दिल्ली में जमा देने वाली ठंड फिर से लौट आई है। मंगलवार को इस सीजन का दूसरा सबसे ठंडा दिन रहा। बर्फीली हवाओं का आलम ये रहा कि धूप में भी ठिठुरन ने लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। आया नगर में न्यूनतम तापमान जहां 2.6 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं जाफरपुर में अधिकतम तापमान 16.1 डिग्री रहा। बुधवार और गुरुवार को राजधानी में शीतलहर का प्रकोप और बढ़ेगा। वहीं साल के अंतिम दिन घना कोहरा भी छा सकता है। मंगलवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री रहा, यह सामान्य से 2 डिग्री कम है। पालम में अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सिमट गया। राजधानी का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम, महज 3.6 डिग्री पर सिमट गया। लोदी रोड में यह 2.7 और जाफरपुर में 3.1 डिग्री रहा। कोरोना महामारी के चलते इस साल मेट्रो में कैश पेमेंट पर रोक थी, लेकिन अब नए साल में आप कैश देकर स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कर पाएंगे। हालांकि अभी भी टोकन लेने की सुविधा नहीं होगी। मेट्रो में यात्रा करने के लिए स्मार्ट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने टोकन को बंद करने का फैसला किया था। इस संबंध में हाल ही में DMRC ने ट्वीट किया था, साथ ही लोगों से अपील की थी कि संक्रमण के मद्देनजर सभी लोग कैशलेस तरीके का इस्तेमाल करें। DMRC के अधिकारियों के मुताबिक टोकन शुरू करने में अभी समय लगेगा। इस दौरान यात्री डिजिटल तरीकों से लेन देन करें। गुजरात पुलिस ने मंगलवार को सूरत के 2 पुलिस स्टेशनों में जब्त की गई 2,09,000 रुपए की अवैध शराब को नष्ट कर दिया। सूरत की पुलिस अधीक्षक उषा राडा ने कहा कि यह शराब 2 साल से ज्यादा समय तक जब्त की गई और सूरत के बारडोली इलाके के पास नष्ट कर दी गई। सूरत ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट में पलसाना पुलिस स्टेशन एवं कड़ोदरा पुलिस स्टेशन दोनों में 2 साल का टोटल मुद्दा माल था, दारू का, विदेशी दारू का। वो करीबन 2,09,000 का ही नाश किया। और बारडोली के पास एक गांव है विलेज एरिया में, वहां पे आज नाश की पूरी प्रोसीजर हमने पूरी की। देश में कोरोना वायरस के हालात में सुधार हो रहा है। कोरोना वायरस मामलों की बात करें तो देश में अब तक करीब 96% लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या लगातार कम हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,000 मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,550 नए मामले सामने आए। इस दौरान देश में कोरोना से 286 लोगों की मौत हुई है।